कि सुबह जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, आप कुरेद कुरेद के हमें सवाल कर रहे थे को नेदरलैंड का जीतने का चांस है, अगर वो ओवरकम होते हैं तो जीत सकती है, पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपकी ये गट फीलिंग थी? ये गट फीलिंग थी मेरी, या कुछ इतलात नहीं थी, गट फीलिंग थी। अच्छा, पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लग रहा था मुझे कि आज नेदरलैंड शायद कुछ कर दे, और आज उसने कर दिया। देखिए, हमने आज जब सुबह बात कर रहे थे तो यही मैंने कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है तो इनको बारी लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं दी, और उसकी वजह यह थी कि जब ये चेज करने जाते हैं जो डच टीम है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, वो वाली अफ्लुएंसी, वो वाली दलेरी आपको नज़र नहीं आती, बस शेल में जाके खेलते हैं। और यही बात हुई थी कि अगर इनको पहले बैटिंग करवाएंगे तो ये थोड़ी सी दलेरी से खेलेंगे और हो सकता ज़्यादा स्कोर कर लें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मदद की इस स्कोर में पहुँचने पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने। आखिरी जो 9 ओवर हुए हैं 102 रन्स, और वो विदाउट एनी पर्पस, वो पीछे गेंद किए जा रहे हैं और छक्के खाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और छक्के खाए जा रहे हैं। और जब इस तरह का एफर्ट होगा और आप ऑपोजिशन को फ्रॉम वो क्या कहते हैं डेस्परेशन सिचुएशन से आप उसको ऐसी पोजीशन पे ले आते हैं कि जहाँ पे वो 245 स्कोर कर जाए, तो वो फिर आप यू आस्किंग फॉर ट्रबल। एंड देन यू हैड अ स्टार्ट ऑफ 39 रन्स, 39 रन से 44 रन्स तक चार विकेट गिर गए। लेकिन ये जो बॉलिंग अगर हम साउथ अफ्रीका की देखें आमिर, सिवाय केशव महाराज के जिन्होंने 9 ओवर में 38 रन दिए और एक खिलाड़ी आउट, के बाकी बॉलर्स की कितनी पिटाई हुई। मार्को जैनसन ने अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा एनगीडी, कगिसो रबादा और क्विडजी, इन सब की पिटाई हुई, क्या वजह है? रबादा तो बड़े सीजन कैंपेनर हैं, उन्होंने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। एक तो गेंद करना होता ना पीछे, आपसे पीछे लैंड हो जाता है, बैट्समैन पेस के साथ जो है बड़े बड़े छक्के मारता है, मोस्टली इन्होंने स्लोर वन किए और अपने पाँव में, और वो फायदा मारते गए एक ही एरिया में, मारते गए एक ही एरिया में, और अपना स्कोर जो है 245 तक ले गए। आई थिंक इनको आज रियलाइजेशन हुई होगी, जिस तरह समी ने भी कहा था कि आप इनके खिलाफ जो है कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, और ये टीमें ऐसी हैं, और हमने ये भी बात की थी ये वाली टीमें जो इनको कंडीशंस दी जाए तो ये अगली टीम को फंसा सकती हैं। देखिए, हल्का सा घास था लेकिन विकेट में इतना कुछ नहीं था कि वो उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करके ये मैच जीत जाते। क्रेडिट देना होगा नेदरलैंड्स को, उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका को सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि आज हम लोगों ने क्रिकेट किस तरह के दिए। बिल्कुल समी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आमिर कह रहे हैं, पिछला पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी नेदरलैंड ने 200 रन बना लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और आज भी उन्होंने 245 रन स्कोर किए। जिस तरह की उनकी टीम है, कोई इतने सीजन कैंपेनर्स नहीं है, उनको ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं मिले खेलने को, लेकिन वो क्वालिफाई करके आए। आप इस बात को जहन में रखें कि वो और श्रीलंका दोनों क्वालिफाई करके आए, और फिर जिस तरीके से जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ की टीमों को रोका उन्होंने क्वालिफाई करते हुए, वो आउट हो गई इस वर्ल्ड कप के, इस शिकस्त की वजह आप क्या समझते हैं? देखें, शिकस्त की वजह काफ़ी जी फैक्टर हैं। अगर आप देखें, बात करें, आज साउथ अफ्रीका कंप्लेसेंट लगी, फिर आप अगर शुरू में बात करें तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। हालांकि अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका ने जब बॉलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त हल्का सा मॉइस्चर था विकेट पे, बॉल अच्छा खासा कैरी भी किया है, हल्का सा सीम भी हुआ है, तो कैरीड अवे हुए हैं साउथ अफ्रीका। और स्पेशली देखें, आज उनकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है कि डेथ ओवर में उनकी बॉलिंग के पास मुझे कोई प्लान नहीं दिखा। हालांकि अगर आप देखें कि दोनों इतने हार्ड हिटर बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हुई है आप देखें, पीछे पीछे उन्होंने बहुत पीछे किए हैं, मतलब आधी विकेट पे स्लो बॉल किया। और देखें, बात ये है कि अगर एक चीज़ आप स्ट्रेटजी अपना और वो कामयाब नहीं हो रही तो आपको फौरन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने परसिस की और वहाँ पे आप देखें 100 रन से ऊपर हो गए कुछ ही ओवर में, जहाँ से मैच का नक्शा चेंज हुआ। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया आज नेदरलैंड ने, बॉलिंग में, बैटिंग में, फिर आज सबसे बड़ी बात कप्तानी का अगर आप तस्करा करें तो आज बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की उनके कप्तान ने, स्कॉट एडवर्ड्स ने, जी हाँ, पहले बैटिंग रन भी उन्होंने किए, फिर जिस तरह बॉलिंग के चेंज ओवर्स किए हैं और जिस तरह फील्ड सेटिंग लिए हैं, तो बड़ा आज इम्प्रेसिव लगे। और जैसे आमिर भाई ने भी कहा कि ये टीम ऐसी हैं कि थोड़ी सी कंडीशन चाहिए होती है, तो आज थोड़ी सी इनकी फेवर में कंडीशन में थी कि इनके बॉलर को हल्की सपोर्ट हुई, स्पिनर को सपोर्ट हुई। ये
स्कॉट एडवर्ड्स को देखें आमिर, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, हालांकि ये सातवें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, जल्दी विकेट गिरी। अगर आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका नई नई इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए थे तो स्पिनर्स के खिलाफ इनकी एक शॉट थी स्वीप स्वीप, ठीक है। अब ये जितने भी गोरी टीमें हैं जो अभी अपना मार्क मेकअप कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पिनर्स के खिलाफ जब खेलेंगे इनके पास गो टू स्ट्रोक है स्वीप। एंड आई थिंक आज जो इन्होंने शमसी को बाहर बिठाया वाज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि इनके खिलाफ, क्योंकि वो रोंगन करता है, फ्लिपर करता है, वो रिस्ट स्पिन के साथ गेंद को टर्न करता है, और स्पेशली ऐसी विकेट के ऊपर तो उन्होंने टर्न करना था जब महाराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की तो महाराज का टर्न हो रहा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपने इस पिच के ऊपर आपने उनको ड्रॉप कर दिया नोइंग कि जो अगली टीम है उसके पास स्पिनर के पास एक ऑप्शन है स्वीप, और वो जिस तरह फ्लिपर करता है या रोंगन करता है उसमें लेग बिफोर बोल्ड और टॉप एज का चांस था। उन्होंने आई थिंक मिस्टर ट्रिक इन माय ओपिनियन। समी जॉनसन की बॉलिंग के अलावा या दूसरे जो फास्ट बॉलर थे, कोई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को हुआ क्या था? कोई प्लानिंग नहीं थी? आप कहते ना कि विकेट में बॉलिंग करनी है या किस मतलब एक अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करनी है, आज नजर नहीं आई। 82 फॉर 5 थे, आप अंदाजा लगाएं नेदरलैंड के, नोबडी हैज एक्सपेक्टेड कि ये जो है आगे चले जाएंगे 245 कर जाएंगे 82 फॉर 5 से, जबकि टेल आ गई थी। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कैरिड अवे हुए हैं थोड़ा सा, अगर आप देखें कि अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने नेदरलैंड की टीम को, उनकी बैटिंग को 2-4-5 आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद आप देखें कि शॉर्ट पिच शुरू हो गए, कोशिश कर रहे थे कि बैट्समैन को हम आउट कर देंगे, नहीं था इजी ले गए आज इनको टीम को, और देखें उसका खुमियादा भी भुगता जिस तरह की बॉलिंग की। मेरे ख्याल में कि उनकी बॉलिंग पे भी काफ़ी सवालिया निशान है कि आगे जिस तरह चलेगा यह वर्ल्ड कप, तो डेथ बॉलिंग मेरे ख्याल में आगे मैचों में बहुत ज़्यादा करामत होगी, और वही टीम जीतेगी जो ज़्यादातर डेथ में अच्छी बॉलिंग करेगी। लेकिन आज इनकी बॉलिंग में वो अंडर प्रेशर, स्कॉट एडवर्ड्स ने 69 गेंदों पर 78 रन स्कोर किए, उसके अलावा उन्होंने 3 कैच भी लिए एज अ विकेट कीपर, तो आज वो मैन ऑफ द मैच के डिजर्विंग कैंडिडेट थे और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखिए ओवरऑल जो टीम को लीड अच्छा किया, उसके बाद जब टीम डाउन एंड आउट थी आके इम्पोर्टेंट जो है रन स्कोर किए, अपने बॉलर्स के लिए स्कोर बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ लगाया, और जो उन्होंने बड़ी क्विक चेंजेस की, स्पेशली जब उन्होंने स्पिनर्स को इस पिच के ऊपर अर्ली इंट्रोड्यूस किया, और वो आई थिंक उनका मास्टर स्ट्रोक बन गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉन्डम मर्व, उन्होंने मर्वा ने 3 विकेट हासिल किए और टॉप के बैट्समैन आउट किए, और जो जब उन्होंने टॉप के बैट्समैन आउट किए तो उन्होंने जो कंट्रोल ऑफ द गेम था वो कप्तान को हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने छोटी छोटी चेंजेस करके। हालांकि आर्यन दत्त से इन्होंने सिर्फ 5 ओवर्स कराए, उसने 1 मेडन 19 रन दिए, और आर्यन दत्त के पूरे ओवर भी नहीं कराए उन्होंने, जिस तरह से वो क्योंकि 43 ओवर्स को डिवाइड किया गया था ना। लेकिन अगर विकटें देखें कि किस तरीके से आउट हुए साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, देखिए आप इनकी विकटें देखें, ज्यादातर क्या हुआ, बोल्ड हो रहे हैं, स्वीप खेलते हुए भी आउट हुए, विकटें नजर आ रही हैं, सही विकटें नजर आ रही हैं। आई थिंक जब आप बॉलर को अगले गेंद के ऊपर पीछे खेलोगे, पाँव नहीं हिलाओगे, सीधे सीधे गेंदों पे आउट हो गया, आज 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 आई थिंक टोटली ऑफ थे साउथ अफ्रीका। इस बॉल को तो देख के शमसी याद आए कि शमसी अगर होते तो डेफिनेटली इस विकेट को सही तरीके से यूटिलाइज करते। एक तो पिच है, दूसरा यह है कि अगली टीम की जो है जो एबिलिटी क्या है और इनएबिलिटी क्या है, सही। सो हमने देखा कि ये अगर इनके खिलाफ सेंटनर ने हल्का सा बॉल टर्न किया है वो 5 आउट कर गए इनके खिलाफ, ठीक है। सो अगर आपके पास शमसी जैसा स्पिनर है और ऐसी पिच के ऊपर उसको ड्रॉप करना आई थिंक सही नहीं था, बहुत महंगा साबित हुआ है।